के जो हालात थे जिसमें शाहजहां ने तख्त पर कब्जा कर लिया था, वो सारे हालात हमने तफसीली तौर पे देखे थे, किस तरह उसने नूरजहां को साइडलाइन किया और अपने भाइयों का, अपने भतीजों का, यानी जितने पॉसिबल थ्रोन के कंटेंडर हो सकते थे उसने सबका मर्डर कर दिया, और उसके बाद शाहजहां जो तख्त नशीन हुआ। तैमूर की जो नस्ल थी खासतौर से मुगलों के यहाँ, हम देखते हैं कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। यानी ये लोग आमतौर से जो चंगेज का कानून था उसको फॉलो करते थे, जिसके मुताबिक ये था कि सल्तनत की तकसीम जो है उसके बेटों में बराबर बराबर होती थी। तो बाबर के मामले में हमने देखा था कि बाबर ने हुमायूं को वसीयत की थी कि तुम अपनी जायदाद, हालांकि उसके भाई सौतेले थे, लेकिन उसके बावजूद हुमायूं ने जो है अपनी जायदाद अपने सौतेले भाइयों में बराबरी में तकसीम की थी। तैमूर के यहाँ ये पहले से रिवायत थी कि वो लोग तख्त के बाद तकसीम करते थे बेटों के अंदर, इक्वली उसको डिवाइड करते थे। लेकिन शाहजहां वो पहला आदमी था जिसने उस खानदानी रिवायत को तोड़ा और उसने अपने जितने भाई थे या उसके भतीजे थे जो मुस्तकबिल में भी तख्त के दावेदार हो सकते थे या उनकी जो पॉसिबिलिटी थी, उन सबको जो है उसने बेरहमी के साथ कत्ल करवा दिया। बहरहाल तख्त पर बैठने के बाद जो है शाहजहां से फिर उस तरह के मजालिम उसने नहीं डाए और उसके बाद एक नॉर्मल एज ए नॉर्मल रूलर जो है वो बाकी दौर में हुकूमत करता रहा। उसके राजा बनते से ही सबसे पहले उसको बुंदेलखंड से कंप्लेन आना शुरू हो गए कि वहां का जो राजा छज्जर सिंह था और उसका बेटा विक्रमजीत, ये दोनों वहां के लोगों पे जुल्म करते थे। यानी काफी जालिम थे, लोगों का इस्तेमाल करते थे, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे और गरीबों पर जुल्म करते थे। तो शाहजहां ने तय किया कि सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगे। उसने औरंगजेब को जो है हमले का हुक्म दिया और वो खुद जो है पर्सनली उसने हमला किया और ये बहुत बड़ी फौज लेकर उसने गया और बुंदेलखंड पर अटैक किया। ये अटैक करने के बाद उसने वहां के राजा को शिकस्त दे दी, उसका जो राजा और उसके बेटे को उसने कत्ल कर दिया और उनके सर काट के जो है वो शाहजहां को भेज दिए गए। इसमें एक और चीज स्टूडेंट्स ने लिखी है कि इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे जो मुसलमान थे उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कर लिया था और एक मस्जिद थी उसको तोड़कर उस जगह मंदिर बना दिया था। तो शाहजहां ने फिर से वो मंदिर तोड़कर उस जगह मस्जिद बनाया और वो लोग जिनको जबरन हिंदू बनाया गया था उनको वापस से जो उसने मुसलमान बनाया। तो ये उसका पहला हमला था जो उसने बुंदेलखंड पर किया। उसके बाद बहुत जल्द उसने तिब्बत, बिहार, ये दोनों इलाकों पर भी हमले करके उसको अपने सल्तनत के अंदर शामिल कर लिया। उसके बाद 1628 से लेकर 39 हम देखते हैं कि उसने मुस्तकिल आसाम पर हमले किए और आसाम को जो है मुगल एम्पायर का हिस्सा बना लिया। उसके बाद जो बड़ा मसला उसके जमाने में एक था वो बंगाल के अंदर पुर्तगीज मसला था। यानी पुर्तगीज ने ये किया था कि शाहजहां ने उनको वहां तिजारत की आजादी दी थी कि वो लोग वहां पे सॉल्ट यानी नमक की तिजारत कर सकते थे, लेकिन ये हुआ कि पुर्तगीज ने अपना वहां पे काफी बड़े असरात पैदा कर लिए, बहुत कुवत जमा कर लिए, खुद की अपनी आर्मी, एक छोटी आर्मी उन्होंने वहां डेवलप कर ली और वहां पर लोगों पे जुल्म करना उन्होंने शुरू किया। यानी एक स्लेव ट्रेडिंग यानी गुलामी की तिजारत वहां पे करने लगे। उसके लिए वो ये करते कि जो हिंदू और मुस्लिम बच्चे जो यतीम थे, जो ऑर्फन्स थे, वो उनको किडनैप करते और उनको ले जाकर जो है बाहर मुल्क के बाजारों में बेच देते। इसी तरह जो लोकल आबादी थी उनको फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट कर रहे थे। यानी उनकी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई कि कुछ लड़कियां थी जो मुमताज महल के लिए काम करती थी, यानी उसकी नौकरानियां थी वो, तो उन्होंने उसको भी किडनैप करके जो है बेच दिए। तो ये सारे वाकयात जो थे, मुस्तकिल शाहजहां के पास उनकी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो शाहजहां ने तय किया कि अब जरूरी हो गया कि उस पर हमला किया जाए। तो हुगली जो है, हुगली उनका सबसे बड़ा मरकज था, सबसे बड़ा किला जो है हुगली का मजबूत किला था, तो उसका घेराव शाहजहां ने कर लिया। 3 महीने तक उसने उस किले का घेराव किया और बाद में पुर्तगीज को उसने शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के बाद उसने पुर्तगीज को सख्त सजाएं दी, यानी जो भी उनके जो की लोग थे जो इन जराय में पेश थे उसने उनको मौत की सजाएं दी। उसके अलावा दूसरे जो उनके सपोर्टर्स थे तो उनको जिंदगी भर कैद की सजाएं दी। तो इस तरह ये बड़ा मसला जो है बंगाल में पुर्तगीज का उसने खत्म किया। उसके बाद कंधार जो है जहांगीर के जमाने में वापस चला गया था। शाहजहां ने कोशिश की कि उसको पहले डिप्लोमेसी से उसने हासिल करने की कोशिश की और उसने वहां का जो रूलर था उसको अपने साथ मिला लिया और इस तरह उसने डिप्लोमेसी के जरिए कंधार पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद वो ज्यादा दिन तक जो पर्शियन आर्मी थी उसका वो मुकाबला नहीं कर पाए और 1649 में उनको वो वापस उसको देना पड़ा। उसके बाद औरंगजेब, दारा शिको, ये दोनों ने कंधार को रिकवर करने की कोशिश की, मुस्तकिल वहां पर हमले किए, लेकिन ये उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया। तो फिर बाद में उसने कंधार का ख्वाब अधूरा छोड़ दिया शाहजहां ने। इसी तरह सेंट्रल एशिया जो है यानी खासतौर से समरकंद और उज्बेकिस्तान का जो इलाका रहा, ये मुगलों के लिए हमेशा उसके अंदर दिलचस्पी रही उनका, क्योंकि वो आबाई वतन था। तो शाहजहां ने भी वहां पर किस्मत आजमाई की और उसने ट्रांसक्शन यानी उज्बेकिस्तान पर जो है बार बार हमले किए और बहुत बड़ी फौज लेकर उसने बहुत यानी तकरीबन 7 साल तक कोशिश की उसको फतेह करने की। उज्बेक बहुत ज्यादा उन्होंने नुकसान उड़ाया, उनके भी हजारों लोग मारे गए, उसके बावजूद वो लोग बहुत कुवत के साथ लड़े और उन्होंने शाहजहां का मुकाबला किया। लेकिन वो एक पहाड़ी इलाका था और काफी दूर वो इलाका था, इसलिए शाहजहां के लिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, यानी वो रियलिस्टिक नहीं था
कि वहां पर जो है हमले करता रहे और उसको तस्कीर करे। तो उसके बाद शाहजहां ने थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए उसका इरादा उसने तर्क कर दिया। लेकिन तकरीबन 5,000 लोग जो है 7 साल में शाहजहां के उसके लिए मारे गए, लाखों रुपये जो है वो खर्च हुआ। डेक्कन एक ऐसा इलाका है, दक्कन का इलाका, कि जहां पर अकबर के जमाने में या जहांगीर के जमाने में बहुत ज्यादा कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई थी, लेकिन शाहजहां के जमाने में जो है काफी कामयाबी इंपेरियलिस्टिक मूवमेंट्स को वहां पर, इंपेरियलिस्टिक जो रूलर था उसको वहां पर मिली। यानी इसकी जो पॉलिसीज थी दक्कन में वो दोनों तरह की थी, यानी इसने कॉन्कर भी किया और डिप्लोमेसी, यानी दोनों तरह की पॉलिसी से शाहजहां ने दक्कन को फतेह किया। दक्कन पर मुगलों की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो मलिकंबर था। तो मलिकंबर का इंतकाल 1626 के अंदर हो गया और उसके बाद फिर शाहजहां के लिए ये आसान हो गया कि वो दक्कन को फतेह कर सके। तो उसने ये किया कि बहुत सारे जो मराठा लीडर्स थे उनको अपने साथ मिला लिया, यानी उनमें सबसे मशहूर जो मराठा लीडर था वो शाहजी भोसले था, यानी शिवाजी का जो बाप था, उसने उसको अपने साथ मिला लिया। शाहजी भोसले को अगर हम देखें तो वो भोसले क्लैन से, यानी वो खानदान से ताल्लुक रखता था और वो पुणे और सूपे की जो जागीर थी मालोजी की, वो उसके मालोजी उसके फादर थे और वो जागीर जो है उसके फादर से उसको मिली थी। लेकिन उसके बाद 1632 के अंदर शाहजी वापस से जाके मुगलों के खिलाफ हो गए जब उसकी जागीर वापस ले ली गई। तो शाहजी की जिंदगी अगर हम देखें तो ही वॉज द सन ऑफ मालोजी भोसले। ये मतलब इब्तदा में एक सोल्जर थे मालोजी भोसले और बाद में उनको जागीरदार निजाम शाह की जो हुकूमत, अहमदनगर की जो निजाम शाह गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से जागीर दे दी गई थी। मालोजी को एक तवील अरसे तक कोई औलाद उनको नहीं थी, लेकिन उस जमाने में एक मुस्लिम पीर थे शाह शरीफ, तो मालोजी उनसे काफी उनको अकीदत थी और उनके मजार पर जाते थे, दुआएं मांगते रहते थे और उनकी दुआओं के नतीजे में उनका ऐसा मानना था कि उसके नतीजे में उनको 2 बेटे पैदा हुए। तो उन्होंने अपना बेटे का जो शाहजी जो नाम रखा वो शाह शरीफ के ऊपर रखा था, यानी शिवाजी के जो दादा थे उन्होंने अपने बेटे का नाम शाहजी का नाम, शिवाजी के फादर का नाम, उस वो जो पीर थे शाह शरीफ उनके नाम पर वो नाम रखा गया। शाहजी ने जीजाबाई से शादी की, जो लखोजी जादव एक बड़े मराठा जनरल थे निजामशाही फौज के अंदर, अहमदनगर की गवर्नमेंट के अंदर, उनकी बेटी से उसने शादी की। हालांकि उस जमाने में काफी अर्ली एज में शादी हो गई थी। तो दक्कन शाहजहां का कॉन्कर जो था वो जारी था और काफी फुतुहात उसको यानी नसीब हो रही थी वहां पर। लेकिन उसी जमाने में 1631 के अंदर उसकी बीवी मुमताज महल का इंतकाल हो गया। तो ये इस इंतकाल के बाद शाहजहां काफी मेंटली डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद वो दक्कन छोड़ के वापस नॉर्थ चला गया और यहाँ पर उसने महाबत खान को कहा कि तुम मेरे बाद यहाँ पे जारी रखो। महाबत खान ने उसके बाद दौलताबाद फतेह किया। लेकिन इस पूरे अरसे के अंदर शाहजी जो है वो मुगलों से अलग होकर निजाम शाह के साथ चले गए थे। 1634 के अंदर महाबत खान का इंतकाल हो गया। 1636 के अंदर शाहजहां फिर से दौलताबाद में वापस आया और इस बार शाहजहां ने बहुत फोर्सफुली जो है अपनी वापसी की, यानी उसने अपनी फौज को 4 अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया। यानी एक बड़ी फौज जो उसने निजामशाही किले को फतेह करने के लिए भेजी, दूसरी फौज शाहजी को क्रश करने के लिए भेजी, तीसरा जो डिवीजन था वो बीजापुर की तरफ और चौथा गोलकुंडा की तरफ भेजा उसने। यानी चारों तरफ जो उसने अपनी फौजें भेजी। अहमदनगर किंगडम जो था वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया और उसने अपनी आजादी खो दी और मुगल सल्तनत में शामिल हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा ने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली मुगल एम्पायर के साथ और शाहजी जो था वो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा। यानी कई किले जो है, यानी एक किले से दूसरा किले और मुगल फौज जो उसको पीछा करती रही। इस पूरे चेस के अंदर उसने बहुत बड़े बड़े जो उसके स्ट्रांग होल्ड किले थे या मजबूत उसकी इलाके थे जो उसने फतेह किए थे वो मुगलों के पास चले गए। इसी तरह खानदेश, बरार, तेलंगाना, दौलताबाद, ये चारों को मिलाकर एक मुगल प्रोविंस दक्कन के अंदर बनाया गया और इसका पहला जो वायसराय बनाया गया वो औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब को बनाया गया जो उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। औरंगजेब ने इन चारों प्रोविंसेस में 1636 से लेकर 1644 तक, यानी तकरीबन 8 साल तक जो है वहां पर वो वायसराय की हैसियत से काम करते रहे। लेकिन औरंगजेब का जो सबसे बड़ा दुश्मन था यानी दारा शुको, वो दरबार में हावी था और वहां से यानी औरंगजेब को बार बार जलील किया जाता था और उसने फिर औरंगजेब का इस्तीफा जो है वो मांग लिया। तो औरंगजेब ने काफी यानी गम के साथ, निदामत के साथ या जिल्लत के साथ कह लीजिए, अपना इस्तीफा जो है पेश कर दिया। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद औरंगजेब को गुजरात की मुहिम पर भेज दिया गया, फिर उसके बाद गुजरात के बाद कंधार की मुहिम पर भेज दिया। असल में शाहजहां का औरंगजेब के साथ थोड़ा सा मामला शुरू से पार्शियलिटी का था, तो औरंगजेब को कभी भी सल्तनत के करीब नहीं रहने दिया जाता बल्कि कोशिश की जाती थी कि वो दूर दराज इलाकों पर हमेशा जंग करता रहे। तो इस तरह औरंगजेब को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे जो है अलग अलग जगह पे वहां पर उसको भेजा जाता था। कंधार की मुहिम की वापसी के बाद औरंगजेब फिर दरबार में आया, लेकिन दरबार में दारा शिको का सिक्का बोलता था, दरबार में दारा शिको गालिब था, तो जो जिल्लतें औरंगजेब को वहां पर उठाना पड़ी दरबार के अंदर, तो फिर उसके बाद उसने दरबार छोड़कर वो वापस चला गया और उसने कहा कि मुझे दक्कन भेज दिया जाए। फिर से औरंगजेब को जो है दक्कन का वायसराय बनाया गया, ये 1652 के अंदर। ये 8 साल के अरसे में जबकि औरंगजेब दक्कन में नहीं था, तो वहां पे 6 वायसराय बदले।
ये छह वायसराय बदलने की वजह से दक्कन की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। औरंगजेब फिर भी वहां पर दक्कन में वापस आया और उसने खिरकी एक शहर था जिसको मलिक अंबर ने बसाया था, तो औरंगजेब ने फिर और उसको एक बड़ा सिटी बनाया और उसका नाम औरंगाबाद रखा और उसको दक्कन का कैपिटल बनाया। फिर औरंगजेब के सामने जो माशी चैलेंजेस थे तो वो बहुत ज्यादा यानी प्रॉब्लमेटिक थे, यानी चूंकि ये इलाका जो था ये पहाड़ी इलाका था, इस पहाड़ी इलाके में बड़ी भारी फौज रखना थी क्योंकि अभी अभी फतेह हुआ था, तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ओबीडियंट नहीं थे और यहाँ पर मुगल सल्तनत स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए यहाँ पर आर्मी जो है वो ज्यादा रखनी पड़ती थी और इसलिए अखराजात ज्यादा थे। लेकिन ये सारे अखराजात जो है औरंगजेब को वहां से मिलते नहीं थे दिल्ली से, और यहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था क्योंकि यहाँ का मेन एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था कि दक्कन की हुकूमत चलाई जा सके। तो ये एक पूरा खतो किताब है, तवील खतो किताब है जो औरंगजेब और शाहजहां के बीच में हुआ। तो औरंगजेब जो भी रिक्वेस्ट भेजते थे या जो भी उनकी डिमांड्स रहती थी या जो भी अपने प्रॉब्लम शाहजहां के साथ शेयर करते थे, तो दारा शिको और उसके जो सपोर्टर्स थे वो उसको बहुत ही निगेटिवली इंटरप्रेट करते थे, यानी मिस इंटरप्रेट उसको करते थे, या जो भी चीजें औरंगजेब पॉजिटिव यहाँ पे करते थे वो वहां पर उसको एज ए निगेटिव और शाहजहां के सामने रखते थे। तो ये सारे बड़े प्रॉब्लम थे जिससे कि औरंगजेब गुजर रहे थे। लेकिन औरंगजेब चूंकि बहुत अच्छे राइटर भी थे, तो वो जो खुतूत जो उन्होंने औरंगजेब को शाहजहां को अपने बाप को लिखे, वो अदब आलमगिरी के तौर पे उन खुतूत को शाये किया गया। औरंगजेब जब दक्कन में थे तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा रिडिकुलाइज किया गया, उनके जो भी रिकमेंडेशन थे छोटी छोटी चीजों के लिए, मतलब जो आम जबान में कहते हैं कि उनको तरसा दिया गया, बहुत ह्यूमिलेशन किया गया, यानी एक वायसराय के जो पोजीशन रहती है उसकी जो रिस्पेक्ट रहती है वो रिस्पेक्ट औरंगजेब को कभी भी नहीं दी गई। और दारा और उसके सपोर्टर हमेशा इस बात की कोशिश करते थे कि औरंगजेब की जो भी ताकत है या पावर्स है उसको कम कट ऑफ किया जाए, उसको कट किया जाए और कभी भी औरंगजेब को फुल फ्लेज पावर जो है गवर्नमेंट के अंदर हासिल ना हो। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद, चूंकि औरंगजेब सिर्फ एक अच्छे मिलिट्री जनरल नहीं थे बल्कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और रेवेन्यू मेजर्स की नई पॉलिसीज उन्होंने इम्प्लीमेंट की और इसकी वजह से जो है फाइनेंशियल कंडीशन दक्कन की सुधरने लगी। उसके बाद औरंगजेब ने बीजापुर और दूसरे जो इलाके थे वहां पर उनको फतेह करने के लिए निकला। तो उस जमाने में शिवाजी जो है चूंकि उभर चुका था और उसने अपने बाप की जो जागीरें थी वेस्टर्न जागीर उस पर कब्जा कर लिया, जो भी बीजापुर के करीब जो हिल फोर्ट्स थे वहां पर। फिर उसने औरंगजेब से कहा कि जो आदिलशाही कोकण का जो इलाका है वो मुझे दे दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने कोई भी मतलब ऐसा कमिटमेंट नहीं किया शिवाजी को, लेकिन शिवाजी ने उसके बाद भी जुन्नर के ऊपर हमला कर दिया। अब ये हमले से औरंगजेब बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो कुछ जुन्नर और पुणे के अतराफ में शिवाजी ने जो कुछ किले बनाए उनको तबाह कर दिया जाए। तो लेकिन उसके बाद शिवाजी ने बीजापुर के जो कुछ इलाके फतेह किए थे वो औरंगजेब को सबमिट कर दिया और एक माफीनामा उन्होंने औरंगजेब को दिया। तो औरंगजेब उसके बावजूद भी खुश नहीं थे और वो और ज्यादा मतलब सिचुएशन को सुधारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो दिल्ली के हालात थे उन्होंने उसको उसकी इजाजत नहीं दी। और दिल्ली में जो तब्दीलियां हो रही थी वो ऐसी तब्दीली थी जिसने अपनी उनकी तवज्जो दक्कन के बजाय दिल्ली में खींच ली, यानी वहां पर शाहजहां का आखिरी जो जमाना था वो शुरू हो चुका था। यानी हम देखिए कि 65 साल की उम्र में तकरीबन शाहजहां जब तख्त पर बैठा उसकी उम्र 35-36 साल थी, तो एक 30 साल की एक मजबूत हुकूमत शाहजहां की रही थी जो अपने अख्ताम को पहुंच रही थी। उस जमाने में शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार हुआ, तो शाहजहां ने ये सोचा कि अब मैं अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर दूंगा कि मेरे बाद तख्त पर कौन बैठेगा। हालांकि चूंकि तैमूर थे और तैमूर के यहाँ ये सिस्टम था कि जो भी जागीर रहेंगी या जो भी हुकूमत रहेंगी वो बाद में बेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेकिन उसके बजाय शाहजहां चूंकि दारा शिकोह के बहुत क्लोज था, वो दारा शिकोह बहुत ज्यादा चाहता था, तो उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे बाद जो है दारा मेरा डिप्यूटी बने, मेरे बाद दारा जो है मेरा सक्सेसर बने और इस हुकूमत को संभाले। इसी तरह उसकी जो दूसरी बेटी थी जहां आरा वो भी दारा के सपोर्ट में थी, लेकिन उसकी एक बेटी रोशन आरा वो औरंगजेब के सपोर्ट में थी। तो जहां आरा और दारा जो है वो दोनों का मिजाज एक जैसा था, दोनों भी थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के थे, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करते थे और ये सारी चीजें सीखते रहते थे। तो उसने ये किया शाहजहां ने कि अपने बाद सक्सेसर जो है वो दारा शिकोह को डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही दारा शिकोह औरंगजेब के दरबार में उसके बाद यानी वली अहद बन गया कि अब बादशाह के बाद मैं ही बादशाह बनने वाला हूँ, तो उसकी काफी जिम्मेदारी बढ़ गई और उसके बाद उसने ये किया कि पूरा हुकूमत अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश उसने शुरू कर दी। उसने ये किया कि किसी भी तरह उसके भाइयों को पता ना चले कि मैं रूलर बन गया, और उसके बाद वो सारी फौज सारे जो इदारे थे वो अपने कंट्रोल में ले ले और उसके बाद वो अपने भाइयों के खिलाफ एक्शन लेने वाला था। तो ये उसकी ऐसी पॉलिसी थी। तो उसने ये किया कि जो जितने ऑफिसर्स थे यानी दरबार के, जो मुराद शुजा औरंगजेब ये तीनों के सपोर्टर्स थे या जिनके एम्बेसडर्स थे, उसने उनको बुलाया और कहा कि ये न्यूज बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए कि मैं यहाँ से रूलर बन गया, यानी खासतौर से तीनों के पास ये न्यूज नहीं जाना चाहिए।
यानी उसने इतना मेजर्स लिया कि बंगाल गुजरात और दक्कन की तरफ सफर उसने ममनू करार दिया जाए कि कोई भी वहां पर ट्रैवल नहीं करेगा, यानी ट्रैवल नहीं करेगा तो न्यूज नहीं पहुंचेगी। लेकिन जाहिर है ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं थी, ये न्यूज किसी ने कर सकता, तीनों भाइयों तक पहुंच गई। शाहजहां के चार बेटे थे, पहला सबसे बड़ा दाराशिको था जिसकी उम्र 43 साल, दूसरा शुजा 41 साल, तीसरा बेटा औरंगजेब जिसकी उम्र 39 साल और मुराद बख्श 33 ईयर्स 33 साल का था। अब इसमें चारों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग अलग थी, यानी उनमें सबसे बड़ा दाराशिको था शाहजहां को, जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद था और जो शाहजहां का सबसे करीबी था। और दाराशिको की जो शख्सियत थी वो काफी हेट्रोजीनियस व्यूज थे उसके, यानी वो सिर्फ ऐसे किसी एक मजहब का मानने वाला नहीं था बल्कि अलग अलग मजाहब की उसके नजदीक रिस्पेक्ट थी और उसका जो थॉट प्रोसेस था वो काफी लिबरल था। यानी ऐसा वो अलाइंड मुस्लिम नहीं था बल्कि एक लिबरल उसका थॉट प्रोसेस था, लेकिन उसके जो यानी वो स्कॉलर था, उसके इंस्टिंक्ट स्कॉलरली थे। उसने ये किया कि बहुत सारे जो अलग अलग मजाहब थे उनको मिलाकर एक नया मजहब यानी एक नया तसव्वुफ का एक फिलोसफी बनाना चाहता था। उसने वेदांता, तलमूद, न्यू टेस्टमेंट यानी बाइबल, ये सबको उसने गहराई के साथ मुताला किया था। उसके बाद सूफी जो राइटर्स थे उनकी तहरीरों को उसने बहुत इनडेप्थ उसका स्टडी किया था। इसी तरह उसने हिंदुओं की कई किताबें जैसे अथर्ववेद, उपनिषद वगैरह का फारसी में तर्जुमा भी किया था। तो शाहजहां का फेवरेट दारा था और वो उसी को यानी अपने हुकूमत के जमाने में भी जो उसके अहम जो प्रोविंसेस थे, जो अहम इलाके थे, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, जो पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, वो उसने दारा के कंट्रोल में हमेशा दिए थे। लेकिन शाहजहां की मोहब्बत की ज्यादती ने दारा के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी पैदा नहीं होने दी जो एक राजा में पैदा होनी चाहिए। यानी वो सिर्फ कोर्ट में रहा, दरबार के अंदर वो रहा, तो उसको ये नहीं मालूम था कि मिलिट्री किस तरह जंग करती है। यानी वो एक जैसा ब्रेव जनरल जो अपनी फौज को लड़ा था वो नहीं जानता था कि उस तरह कैसे लड़ा है। इसी तरह उसको पॉलिटिक्स नहीं आती थी कि किस तरह रियासतों को कवर किया जाए। इसी तरह वो दरबार में रहने की वजह से काफी बदमिजाज और चिड़चिड़ा हो गया था और वो किसी की राय को कोई अहमियत नहीं देता था। तो ये सारी जो चीजें थी, निगेटिव क्वालिटीज, उसके अंदर पैदा हो गई थी। दूसरा जो बेटा था शाह शुजा, ये बंगाल का गवर्नर था, काफी इंटेलिजेंट था और ब्रेव भी था, लेकिन ये बहुत आराम पसंद था। यानी बहुत ही सुस्त काहिल था और मतलब कोई ज्यादा मेहनत के काम ये सब इससे नहीं होते थे। लेकिन इसका सबसे प्लस पॉइंट ये था कि ईरानी ज्योतिषिया इसके सपोर्टर्स थे। ये भी कहा जाता है कि उसने शिया कायद को तस्लीम कर लिया था और वही रिचुअल्स यानी वही रस्म व रिवाज वो फॉलो करता था। तीसरा जो बेटा था मोहिउद्दीन औरंगजेब, यानी वो सारे हिस्टोरियंस भी इन जनरल हिस्टोरियंस औरंगजेब को बहुत ही निगेटिव दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सबके सब ये मानते हैं कि वाज द एबलेस्ट ऑफ ऑल, कि इन सब में सबसे काबिल हुकूमत का था वो औरंगजेब का था। उसका यानी बहुत ही गैरमामूली उसकी सलाहियतें थी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी थी वो अनक्वेश्चनेबल थी। इसी के साथ वो बहुत ही पुख्ता राशिकुल अकीदा मुसलमान था, यानी उसका जो थॉट प्रोसेस था उसमें शुजा या दारा की तरह उसके अकीदे में कोई खराबी नहीं थी। यानी वो एक पक्का सुन्नी मुसलमान था और उसके अकायद जो है वो बहुत मजबूत थे। तो उसके अकायद की मजबूती की वजह से उसके अंदर वो फैसला कुन चीजें यानी उसके जो फैसले थे वो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। उसका किरदार बहुत सादा था और डिसिसिव था, उसके किसी भी फैसले में वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होता था। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता था, फैसले बहुत इत्मीनान के साथ लेता था और जब वो फैसला ले लेता तो उसको नाफिज करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत लगा देता था। आरपी त्रिपाठी ने जो लिखा है शाहजहां के बारे औरंगजेब के बारे में वो बड़ी अच्छी चीज है कि वो बाबर की तरह की उसकी शख्सियत थी कि औरंगजेब माहिर अदीब और लायक फौजी लीडर था। यानी वो एक राइटर भी था और एक फौजी लीडर भी था। वो कलम और शमशीर दोनों पर यकसा महारत रखता, उसको कुदरत ने तहम्मुल, अज़्म मुसम्मम और पुख्ता इरादे के अलावा इंसानी कमजोरी की परख और सियासी चालक की वदियत की थी। उसकी बहादुरी और हौसला मंदी में एहतियात और जब्त नफ्स का इम्तियाज पाया जाता था। यानी वो एक श्रूट पॉलिटिशियन भी था और सियासत की सारी बारीकियां समझता था। औरंगजेब में जबरदस्त कुव्वत, बर्दाश्त, आजमाइश के लम्हात में सब्र और तहम्मुल से काम लेने, अंथक मेहनत करने और हर मामले को अच्छी तरह परखने की यकसा सलाहियतें मौजूद थी। उसके संजीदा और मतीन अखलाक कुदरती कम इख्तलाती और परहेजगारी के सबब लोगों के दिलों में रौब पैदा हो जाता था। उसकी गहरी हिकमत अमली और दुरुस्त सियासत से लोग खौफजदा रहते थे। वो लोगों के दिलों में राब खौफ और एहतराम तो पैदा कर सकता था लेकिन उनके दिलों में मोहब्बत का जज्बा ना उभार सकता था क्योंकि वो लोहे की तरह सख्त और सर था। तदब्बुर और फौजी मामलों में बिलाशुबा अपने रकीबों से बहुत आगे था। उसके मुतालिक कुछ भी कहा जाए लेकिन उस पर किसी किस्म की कमजोरी का, चाहे वो जिस्मानी हो या जज्बाती या फिक्री, इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। वो आसानी से ना तो किसी पर भरोसा करता और ना ही दूसरों के दिलों में अपने लिए जज्बा उभार सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो जानता था कि लोगों से किस तरह खिदमत ली जा सकती है। तो ये औरंगजेब की शख्सियत है जिसको आरपी त्रिपाठी ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। चौथा बेटा जो था सबसे छोटा वो मुराद था। मुराद बहुत बहादुर था, जंग करने में उसका कोई सानी नहीं था उसकी बहादुरी के अंदर।
लेकिन वो बहुत ही आजाद तबीयत का मालिक था, बहुत कसरत से शराब पीता था, उसका एटीट्यूड बहुत कैजुअल था, और इसी तरह उसकी जहानत यानी इंटेलेक्चुअल लेवल उसको बहुत कम था, शॉर्ट टेम्पर था, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन की कोई उसके अंदर सलाहियत नहीं थी, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है कायदाना सलाहियतें भी उसके अंदर नहीं थी। तो मुराद उन सब में सबसे इनकैपेबल था थ्रोन के लिए, लेकिन सबसे पहला क्लेम जो है वो मुराद की तरफ से आया। फिर मुराद के बाद फौरन शुजा ने भी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया बंगाल के अंदर। तो ये दोनों ने बहुत जल्दी से अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दिए, मतलब यहाँ तक के अपने नाम का खुतबा जुमा भी शुरू कर दिए, अपने नाम के कॉइन भी उन्होंने बना लिए, और पूरी रियासत में जो है तो आजाद रूलर अपने आप को इन्होंने तस्लीम करा लिया। उसके बाद ये दोनों ने क्या किया कि अपनी फौजें लेकर वो दिल्ली की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ दारा ने ये किया कि वो मतलब ये दारा को क्रश करना चाहते थे, इनको लगा कि शाहजहां मर चुका है और दारा ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया, तो ये दारा से लड़ना चाहते थे। तो शुजा सबसे पहले बनारस पहुंचा 1658 के अंदर। तो दूसरी तरफ दारा शिकोह ने अपना बेटा, उसका जो बेटा था सुलेमान शिकोह, उसको उसने भेजा, और बहादुरपुर के नजदीक जबरदस्त जंग हुई जिसमें कि शुजा शिकस्त खा गया। उसके बाद एक पीस एग्रीमेंट दोनों के दरमियान हुआ, और उसके बाद उड़ीसा और बंगाल का कुछ हिस्सा शुजा को दे दिया गया। अब ये पूरे जो मामला थे इसमें औरंगजेब अभी तक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे, वो इस पूरी सिचुएशन को दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी एक बहुत ही मैच्योर्ड आदमी की तरह वो देख रहे थे कि ये सिचुएशन क्या है, ये क्या मामला चल रहा। तो इब्तदा में औरंगजेब को इस बात का यकीन नहीं था कि उनके शाहजहां का इंतकाल हो गया, और उसने मुराद को भी कहा कि तुम बगावत मत करो, बगावत अच्छी चीज नहीं, जबकि हमारा बाप अभी जिंदा है। और औरंगजेब अपने जो रेगुलर एक्टिविटीज थी जो बादशाह की तरफ से उनको मिली थी कि तुम गुलबर्गा फतेह करो, तो गुलबर्गा पे हमला कर रहे थे, और बिल्कुल करीब में था कि वो गुलबर्गा में एक बड़ी जीत उनको हासिल होने वाली थी, लेकिन दारा की पॉलिटिक्स वहां पर जारी थी। तो दारा ने शाहजहां की तरफ से हुक्म भेजा, और जितने ऑफिसर्स थे औरंगजेब के अंडर में जो लड़ रहे थे उनको कहा कि तुम दिल्ली वापस आ जाओ। फिर उसने औरंगजेब का जो एम्बेसिडर यहाँ पे दरबार में मौजूद था उसको कैद कर दिया, उसका जो घर बार औरंगजेब की जितनी प्रॉपर्टी थी वो दारा ने दिल्ली के अंदर जब्त कर ली। फिर उसने जसवंत सिंह को एक आर्मी लेकर भेजा, और उसने कहा कि देखो अगर औरंगजेब वहां से दक्कन से निकलता है तो तुम उस पर हमला कर देना। ये सारी सूरत हाल देखने के बाद जो है औरंगजेब को भी कन्विंस हो गए, यानी मुराद और शुजा को कन्विंस कर रहे थे कि दारा ने ये सब पर कब्जा कर लिया और शाहजहां दुनिया में नहीं रहा, लेकिन औरंगजेब उसको मानने तैयार नहीं थे। लेकिन ये पूरी जो सूरत हाल थी, ये जो डेवलपमेंट्स थे, ये देखने के बाद औरंगजेब को भी यकीन हो गया कि नहीं वाकई दारा जो है वो न्यू रूलर उसने क्लेम कर दिया। अब ये सिचुएशन में यानी औरंगजेब खुद कोई अटैक करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई। आमतौर से जो इंडियन हिस्टोरियंस है या फॉरेन हिस्टोरियंस है, मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस जो है वो औरंगजेब को बहुत निगेटिव बताती है कि इन्होंने अपने बाप को कत्ल किया, अपने भाइयों पे जुल्म किया। लेकिन अगर हम हिस्ट्री का बहुत ही इन डेप्थ इसकी स्टडी करें तो ये बात समझ में आती है कि औरंगजेब जो थे उन्होंने सबसे आखिर में क्लेम किया, यानी दारा शुजा और मुराद ये तीनों ने, यानी जो आदमी सबसे काबिल था उसने सबसे आखिर में क्लेम किया। और ये क्लेम भी कैसे किया, यानी स्टैनली लेनपूल ने जो अपनी किताब के अंदर लिखा है औरंगजेब एंड द डिके ऑफ द मुगल एम्पायर, तो ये बहुत छोटी किताब है, 100-150 पेजेस की, लेकिन उसमें उसने लिखा है कि औरंगजेब के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यानी जो उसका पैराग्राफ है उसने लिखा कि वो दारा की जल्दबाजी, वो यानी औरंगजेब, वो दारा की जल्दबाजी, शुजा की सुस्ती और काहली और अपने छोटे भाई की गैर संजय तबीयत से वाकिफ था। उसने उन्हें आगे आने दिया और आखिरी बार का इंतजार किया। उसने उस वक्त भी खुद को सामने नहीं लाया जब दारा ने उसका घर जब्त कर लिया और उसके एजेंट को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो बखूबी जानता था कि अगर उसका कोई भी भाई तख्त पर बैठता है तो उसके लिए दो ही रास्ते होंगे, कैद या मौत। खुद की हिफाजत के लिए उसे ताकत की जंग में अपनी दावेदारी पेश करनी थी, और एक बार जब उसने ठान ली तो उसे सिर्फ लायअमल चुनना था। वो मुराद और शुजा की तरह सीधे मैदान में नहीं कूद गया, क्योंकि उसकी असली जहानत डिप्लोमेसी में थी। यहाँ पर लेनपोल ने जो औरंगजेब की शख्सियत बताई कि वो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, यानी सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी अगर ये तीनों में से कोई भी रूलर बनता तो उस सूरत में औरंगजेब के लिए कैद थी या मौत थी। तो अब सेल्फ डिफेंस के लिए कोई चारा नहीं था कि ये जो ताकत की दावेदारी थी उसमें औरंगजेब भी कूद जाए। तो औरंगजेब ने ऐसे नहीं कि ये सीधे वो जंग में कूद गए, बल्कि पहले उन्होंने अपना जो दक्कन का एरिया था वहां पर उन्होंने काफी पीस मेंटेन किया कि मेरे पीछे यहाँ पर खराबा नहीं होना चाहिए। गोलकुंडा और बीजापुर के जो रूलर्स थे उनके साथ उन्होंने कंसीलिएशन किया, शिवाजी को खत लिखा कि मेरे पीछे यहाँ पर पीस जो है डिस्टर्ब नहीं करना। फिर दूसरे बहुत सारे जो दिल्ली में नोबल्स थे, जो उमरा थे, वो देख रहे थे जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, और उनके नजदीक औरंगजेब भी जो है तख्त के सही दावेदार थे, तो वो लोग सीक्रेटली औरंगजेब को लेटर्स लिख रहे थे और अपना सपोर्ट जो है वो दे रहे थे कि तुम यहाँ पर आ जाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। औरंगजेब ने भी बहुत सारे, यानी ऐसे नहीं कि सिर्फ मुस्लिम, बल्कि जो हिंदू रूलर थे, राणा राज सिंह वगैरह जो राजपूत थे, उनको सबको जो है औरंगजेब ने लेटर्स लिखे,
उसके बाद दक्कन में औरंगजेब के पास ईरानी, तुरानी और अफगानी बड़े काबिल ऑफिसर थे, तो उनको लेकर वो वहां से निकले। उसके बाद औरंगजेब मुराद से मिले और उसे कहा कि तुम थोड़ा आहिस्ते से प्रोग्रेस करो, यानी इतना रशली मार्च करना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद मुराद और दोनों के दरमियान में पैक्ट हुआ औरंगजेब के, और औरंगजेब ने कहा कि अगर मैं यानी हम लोग जीत जाते हैं तो पंजाब, काबुल, कश्मीर और सिंध ये तुम्हें दे दिया जाएगा। और इसी तरह शुजा के बारे में बिहार, बंगाल वगैरह को उन्होंने तय किया कि ये सारी हुकूमतें शुजा को दी जाएंगी। तो अप्रैल एंड में उज्जैन के करीब मुराद और औरंगजेब मिले। उसके बाद यह हुआ कि इधर जो डेवलपमेंट हो रहे थे, तो इनकी दोनों की जो आर्मी थी वो धर्मठ के करीब वहां पर रुकी हुई थी। दूसरे एम्पीरियल फोर्सेस जो दाराशिकों ने भेजी थी वो महाराजा जसवंत सिंह राठौड़, तो वो भी उज्जैन के करीब आ गई थी। अब जसवंत सिंह ये सोचकर आया था कि मैं जो है वो मुराद से जंग करने के लिए जा रहा हूँ। औरंगजेब ने यानी चूंकि दाराशिकों ने जसवंत सिंह को कहा था कि तुम औरंगजेब पर नजर रखो, लेकिन औरंगजेब इतना खामोशी के साथ यहां तक आ गए कि जसवंत सिंह को पता ही नहीं चला। और जैसे ही उसे पता चला कि यहां पर जब मैं जंग करने के लिए आया तो औरंगजेब भी साथ में हूं, तो वो काफी घबरा गया। लेकिन उसके बावजूद औरंगजेब ने कहा कि देखो हम जंग नहीं करना चाहते, मैं सीधे सीधे अपने बाप से मिलना चाहता हूं। लेकिन जसवंत सिंह ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद जो है जंग ना गुजर थी। तो 26 अप्रैल को ये जंग शुरू हुई, लेकिन जाहिर है जसवंत सिंह की जो फौजी काबिलियत थी, उसकी जो सलाहियत थी, हालांकि उसके साथ राजपूत वॉरियर थे और वो बहुत बेजिगरी के साथ लड़े, लेकिन औरंगजेब की जो मिलिट्री स्किल थी उसके सामने जसवंत सिंह का ठहरना मुश्किल था। तो जसवंत सिंह हार गया और उसके बाद वो वहां से भाग गया और औरंगजेब को जो है वहां पर बड़ी फतेह नसीब हुई। सर जादूनाथ सरकार, हालांकि वो औरंगजेब की बहुत क्रिटिक है और बहुत ही निगेटिव कैरेक्टर उन्होंने औरंगजेब का है, लेकिन यहाँ पर वो भी तारीफ करते हैं कि द हीरो ऑफ डेक्कन वॉर एंड विक्टर ऑफ धर्मस फेस द वर्ल्ड नॉट ओनली विदाउट लॉस बट विद हिज मिलिट्री रिपुटेशन आर रेंडर्ड एब्सोल्युटली अनराइवल्ड इन द इंडिया। यानी उसके बाद औरंगजेब जो है हिंदुस्तान में उनका कोई मुकाबिल नहीं रहा इस जंग के बाद और वो आगे बढ़े। उसके बाद जब ये लोग आगे बढ़े तो शाहजहां ने कहा कि मैं मुराद और शाहजहां से मिलना चाहता हूँ, लेकिन दारा की ये कोशिश थी कि शाहजहां उनसे ना मिले बल्कि उसके बजाय जंग हो, और वो दारा शिकोह का पूरा इंसिस्टिंग फाइटिंग पर था और उसने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ये दोनों को कुचल के रख दूंगा। इस पूरे एपिसोड में देखे तो जब हम हिस्टोरियंस को, जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस है, चाहे वी डी स्मिथ हो, आरसी मजीमदार हो, जादूनाथ सरकार हो, तो वो इस पूरे एपिसोड में औरंगजेब की गलती बताते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दारा जो है वो शुरू से ही इवाद ऑन मिसचीफ, यानी वो शरारत पर था। यानी शाहजहां के बीमार होने के साथ जो है उसने जो भी वहां पे दरबारी थे उनको कहा कि कोई न्यूज बाहर नहीं जाने देना चाहिए। बंगाल, गुजरात और दक्कन के रास्ते उसने बंद करा दिए। आलमगीर का जो वकील था उसका घर जब्त कर लिया। उसके बाद बीजापुर के महाशरे में मशगूल था, तो जितने गुलबर्गा के महाशरे में सारे ऑफिसर को उसने वापस बुला दिया। इस तरफ किसी भी यानी तीनों शहजादों ने मुराद, शुजा और औरंगजेब की पेशकदमी से पहले जो है दारा शिकोह ने पेशकदमी कर दी थी। तो ये सारी जो एग्जीक्यूशन ऑफ इवेंट है वो ये बताते हैं कि दारा जो है वो बदमाशी पर था, वो रॉन्ग साइड पर था। लेकिन दारा का जो सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे वो औरंगजेब की शख्सियत थी, और उनके जो क्लैशेस थे वो सिर्फ थ्रोन के नहीं थे बल्कि वो काफी मल्टीफेसेट थे। यानी उनके पर्सनल क्लैशेस भी थे, रिलीजियस क्लैशेस भी थे, पॉलिटिकल क्लैशेस भी थे और पर्सनालिटी क्लैशेस भी थे। यानी आप देखिए कि पहले हम पर्सनल या फैमिली के जो इख्तलाफात थे उनको उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दारा शिकोह जो है वो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। असल मसला ये था कि शाहजहां को इब्तदा जमाने में कोई औलाद नहीं थी, यानी इब्तदा में उसको सिर्फ बेटियां ही थी, कोई बेटा नहीं थी। उसके बाद ये हुआ कि मुगल बादशाहों का हमेशा दस्तूर रहा है कि वो ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर जाते। इसने कई मरतबा ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर गया, वहां पर मन्नतें मानी, बल्कि शुजा की पैदाइश से पहले तकरीबन वो 1-1.5 साल वहां पर रहा और शुजा की पैदाइश भी अजमेरी के अंदर हुई। तो अजमेर में शुजा की पैदाइश हुई। तो इस यानी काफी लेट बेटा पैदा होने की वजह से और पहला बेटा होने की वजह से शाहजहां को बहुत ज्यादा मोहब्बत जो है वो दारा शिकोह से थी, और ये मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ गई। यानी वो इतनी ज्यादा हद से आगे बढ़ गई कि शाहजहां फिर दूसरे औलादों के साथ नाइंसाफी करने लगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि औरंगजेब की जो शख्सियत थी, तो हिस्टोरियंस ने खुद इस बात को एग्री किया है कि शाहजहां जब अपने बेटे पर नजर डालता तो उसे आलमगीर के अज्म अज्म और उसकी दिमागी काबिलियत का कायल होना पड़ता। यानी वो खुद ये मानता था कि उसके बेटों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग और पावरफुल है वो औरंगजेब है। शाहजहां औरंगजेब के अज्म शोर से खूब वाकिफ था, लेकिन अपने हुकूमत के आखिरी 15-20 सालों में औरंगजेब से कोई कदरदानी का बर्ताव नहीं किया। शाहजहां के उस जमाने के खतूत और अहकाम पढ़े तो नजर आता है कि ना सिर्फ औरंगजेब की निस्बत उसका रवैया पिदराना शफकत और मोहब्बत से खाली था, बल्कि बाद अवकात तो उसका तर्ज अमल अक्सर मानदे नहीं, यानी दुश्मनी का हो जाता था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर औरंगजेब से बातचीत की है। उसके लायक फखर कारनामों की कोई तारीफ नहीं होती, बल्कि बसा औकात तो उन कोशिशों में जो औरंगजेब मुगलिया हुकूमत की तौसी के लिए मसल गोलकुंडा और बीजापुर में बाप के जहर फरमान शुरू करता, रोड़े अटका जाते और उसे दूसरों की नजर में जलील किया जाता।
शाहजहां का ये जो अप्रोच था औरंगजेब को लेकर वो बहुत निगेटिव था, और शाहजहां को बहुत अर्ली रियलाइज हो गया था कि दारा शिकोह को कोई फाइट दे सकता तो औरंगजेब, तो इसलिए शाहजहां की ये हमेशा कोशिश रहती थी कि औरंगजेब कभी भी जो है दिल्ली की सल्तनत में ना रहे, बल्कि उसे दूर दूर की मुहिमात पर भेजा करता था। लेकिन इन मुहिमात से दारा शिकोह को दिल्ली में रखने और औरंगजेब को मुहिमात में भेजने से उल्टा शाहजहां का नुकसान हो गया, यानी दारा शिकोह के अंदर कोई सलाहियत परवान नहीं चल पाई और औरंगजेब एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री जनरल बनकर उभरा। औरंगजेब ने बचपन से जिस बहादुरी का मजाहरा किया और उस पर किसी भी बाप को नाज होना चाहिए था। ऐशो आराम और कोर यकीनी से दूर रहकर बचपन गुजारने वाले औरंगजेब को राजधानी से दूर रखा गया। ना तजुर्बेकार, आराम तलब और बेबुनियाद बातों पर यकीन करने वाले दारा को तख्त नशीन करने की शाहजहां ख्वाहिश सियासी माहौल को आखिर किस नतीजे पर पहुंचाती। मगध के राजा उजात शत्रु ने महसूस किया कि उसका बाप बुद्ध मजहब से मुतासिर होकर गौतम बुद्ध की मानिन गद्दी छोड़ देगा और खजाने को मुफलिस और मजहबी लोगों में तकसीम कर देगा, तो उसने जल्द से जल्द अपने बाप को मारकर गद्दी हासिल कर ली। औरंगजेब ने साल साल तक दुश्मनों से टकराते हुए सल्तनत को वसी और मजबूत करता रहा, फिर भी शक और नफरत का निशाना रहा। तो ये दोनों के दरमियान पर्सनल क्लैशेस थे, यानी शाहजहां ने हमेशा दारा शिकोह को अपने से करीब रखा और औरंगजेब को जो मोहब्बत बाप की मिलनी चाहिए थी वो उसको कभी मैसर नहीं है। दूसरा बड़ा कन्फ्लिक्ट दोनों के दरमियान रिलीजन का था। अगर दारा शिकोह की जिंदगी को हम देखते हैं तो अर्ली एज में वो सूफी जो थे मियां मीर उनका मुरीद हो गया था, और वहीं पर उसकी जो पहली किताब उसने लिखी सफीना औलिया, जिसमें 41 अलग अलग सूफियों का उसने तस्करा किया, और इब्तदा में वो अपने आप को यानी जब वो 25 साल का था उस वक्त वो हनफी कादरी लिखा करता था, लेकिन उसके बाद उसके ख्यालात बदलते गए, दूसरे कई स्कॉलर्स यानी दूसरी कई किताबें लिखी उसने अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में, लेकिन उसकी इब्तदाई जमाने की जो तहरीर थी जो किताबें उसने लिखी उस पर ही ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गए थे। तो उसने कहा कि ये सब तरीकत की बातें हैं और शरीयत के लोग इसको नहीं समझ सकते। फिर जिन सूफिया से दारा शिकोह अटैच था वो उनकी मेजॉरिटी वहादतुल वजूद की कायल थी, और वो वहादतुल वजूद का वो फलसफा यानी वहादतुल वजूद के फलसफे का वो वर्जन जो अद्वैत वेदांत था जो हिंदुइज्म का है वो जिससे कि वो ज्यादा करीब था, तो वो फलसफा उसने अडॉप्ट कर लिया। तो दारा शिकोह को वहादतुल वजूद का जो मुस्लिम तसव्वुफ का फलसफा था वहां से हिंदुइज्म के अद्वैत वेदांत में ट्रांसफर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, और उसके बाद उसने बहुत हिंदू योग का मुताला करना शुरू कर दिया। उसने कई हिंदुओं की जो मजहबी किताब थी, चूंकि फारसी जमाने मुसलमानों की लैंग्वेज थी, उसमें उसको कन्वर्ट किया। उसकी यह कोशिश थी कि हिंदू योग और मुस्लिम तसव्वुफ ये दोनों का एक मिक्सचर बनाकर एक नया कोई तसव्वुफ का मिक्सचर वो बनाना चाहता था। हम देखते हैं कि अकबर के जमाने में जो कंपोजिट रिलीजन की जो कोशिशें शुरू हुई थी, तो उसके बाद जहांगीर के जमाने में उसमें काफी प्रोग्रेस रहा, क्योंकि जहांगीर का आखिरी जमाना बीमारी में गुजरा था इसलिए वो बहुत ज्यादा हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन शाहजहां जो था वो पर्सनली एक रासिखुल अकीदा मुसलमान था, उसके अकायद में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उसको हिंदू फिलॉसफी हिंदू योग ये सारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उसका अकीदा बहुत ज्यादा क्लियर था, और इस तरह की किसी भी कोशिश को शाहजहां ने अपने दौर में उसने प्रमोट नहीं होने दिया। लेकिन आखिरी जमाने में जब उसका सबसे काबिल बेटा जो था दारा शिकोह, यानी अकबर जो है वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दारा शिकोह खुद भी इंटेलेक्चुअल आदमी था और ये सारी चीजें वो समझता था, तो उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम जो सूफी थे वो दारा शिकोह के करीब आ गए, और जब उन्होंने देखा कि हुकूमत का अगला हुक्मरान जो है इस फलसफे को फैला रहा है, तो सबके सब लोग जो है यानी इस फलसफे की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ गई। तो शाहजहां और औरंगजेब के जो इख्तलाफात थे वो तो फिर भी जुज्वी और जिमनी थे, लेकिन औरंगजेब और दारा शिकोह की मुखालिफत बुनियादी थी। एक तो वो दोनों तख्त ताज के दावेदार थे, जिसका मुगलिया खानदान की कामूस में मतलब है कि अगरचे वो दोनों भाई भाई थे लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फिर उनके दरमियान फकत जाति मकासिद और ख्वाहिश की दीवार हायल न थी, बल्कि उनके ख्यालात उनके अकायद उनके तौर तरीके और उनके तबीयतों में बादुल मुशरिकैन था। दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों मजहब में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन उनको मजहब में जमीन और आसमान का फर्क था। दारा शिकोह आजाद ख्याल सूफियों का पैरो था और औरंगजेब मुतशरे बल्कि मुतशद्दिद उलमा का। दारा की वसत मुशरब का तो यह आलम था हिंदू मोहिदीन के मजलिस में उसी जौक से शरीक होता जिस तरह मुसलमान सूफियों की, और औरंगजेब का मामला यह था कि वो शियाओं को भी जंदीक समझता था। तो औरंगजेब एक सीधा सच्चा मुसलमान था, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, उसके अकायद में कोई तेल नहीं था, तो ये दूसरा लेवल था जहां पे उनका बड़ा इख्तलाफ था। तो ये यानी पर्सनल पॉलिटिकल और रिलीजियस ये तीनों तरह के अख्तिलाफात जो है दोनों की शख्सियत के अंदर थे। दारा ने एक बड़ी 60,000 की फौज उसने तैयार की और उस फौज को लेकर वो निकला। उसके बाद सुलेमान शिकोह जो उसका बेटा था उसने भी आकर उसको ज्वाइन कर लिया। औरंगजेब ने बहुत तेजी के साथ चंबल क्रॉस किया और दारा की जो पेशरफ थी उसको रोकने का उन्होंने इरादा किया। उसके बाद दोनों फौजें जो थी वो आमने सामने आ गई समग्रों के इलाके में। राजपूत जो थे राजपूत वॉरियर्स उनकी बड़ी तादाद दारा की फौज में थी। औरंगजेब की फौज में औरंगजेब के अलावा कोई बड़ा जनरल नहीं था,
लेकिन दारा की फौज में बहुत ट्रेंड ऑफिसर्स थे, काफी बड़े बड़े जनरल उसकी फौज के अंदर शामिल थे। लेकिन बहरहाल उसके बाद एक जोरदार जंग जो है वो दोनों के दरमियान होने लगी। पहली जैसी जंग शुरू हुई तो दारा ने बहुत ज्यादा उसके जो तोप तीरअंदाज थे उन्होंने बहुत सख्त जो है वो हमले करना शुरू कर दिए। औरंगजेब ने बहुत ही सुकून के साथ या बहुत ही हिकमत के साथ जो है अपनी प्लानिंग की थी। तो पहले उन्होंने किया कि दारा को एक यानी फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी दिया, दारा को ये महसूस हुआ कि वो जंग जीत रहा है, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं था। और जब दारा बहुत ज्यादा इस घुलावे में आ गया और उसकी पूरी फौज जब औरंगजेब के तोपखाने के सामने आ गई, तो उसके बाद औरंगजेब ने बहुत यानी पलट कर हमला किया और दारा के जितने ट्रूप्स थे उनको क्रश कर दिया। तो जंग बहुत भयानक लड़ी गई। दारा के साथ जो राजपूत थे उन्होंने बहुत अपनी जान लगा दी और बहुत ज्यादा यानी जोरदार ये लड़ाई हुई, दोनों तरफ की फौजों ने लड़ी। औरंगजेब के साथ मुराद भी था, मुराद ने भी बहुत बहादुरी का उसमें मुजाहरा किया, लेकिन फाइनली ये हुआ कि दारा जो है वो जंग हार गया। दारा को जंग का ज्यादा तजुर्बा नहीं थे, ये हुआ कि जंग में उसका हाथी जख्मी हो गया तो वो हाथी से कूद कर घोड़े पर आ गया, जिससे उसकी फौज को ये तासुर हुआ कि दारा जो है मारा गया या वो भाग गया, तो उसकी फौज मायूस हो गई। यानी वैसे वो जंग हार रहा था, लेकिन आखिर में जब ये सिचुएशन हो गई तो उसके बाद उसकी फौज जो है पूरा हौसला छोड़ दी और इनको बहुत आसानी से उस पर फिर फतेह मैसर आ गई। दारा जो है वो जंग छोड़कर भाग गया। अब ये जो पूरी जंग थी यानी इसको अगर हम देखा जाए तो ये एक सिर्फ एक नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, यानी हिंदुस्तान में जिस तरह हजारों लाखों लड़ाइयां लड़ी गई वैसी एक जंग नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल का नक्शा तय करने वाली जंग थी। आलमगीर और दारा जो है वो मुख्तलिफ जाविया निगाह के तर्जुमान थे और दोनों तरफ जो है अलग अलग अकीदे को लेकर जो है लड़ाई जा रही थी। यानी इससे पहले मुगलों के आयत में हुआ, यानी जब अकबर के जमाने में हकीम मिर्जा और अकबर की लड़ाई हुई थी तो अकबर कामयाब रहा और उसकी कामयाबी से अहले शरक को बुरे दिन देखने नसीब हुए। अब शरीयत और तरीकत का मुकाबला था और उनके नुमाइंदे आलमगीर और दारा शिकवे थे, लेकिन आलमगीर दारा की बनिस्बत कहीं ज्यादा बातदबीर बहादुर था, चनाचा वही कामयाब हुआ और तरीकत का तरफदार नाकाम रहा। तो इस जंग में जो है चूंकि औरंगजेब बहुत ही काबिल जनरल थे तो इस तरह उन्होंने वो जंग जीत ली। असल में यह कि औरंगजेब ना सिर्फ एक काबिल जनरल बल्कि बहुत बहादुर भी थे, जो अलग अलग वाकयात उनके बयान किए जाते हैं। एक वाक्य औरंगजेब की बहादुरी और बेखौफी का होता है कि जब वो सिर्फ 14 बरस के थे और एक हाथी जो है वो पागल हो गया था, तो उस हाथी के सामने औरंगजेब डर गए थे और उसकी सूंड उन्होंने काट दी थी। फिर एक बहुत मशहूर वाकया जो उनका जंग में था कि एक मरतबा एक किले को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था और उस वक्त जोहर की नमाज का वक्त हो गया। तो कहा जाता है कि जब नमाज का वक्त हो गया, किले को ये लोग घेरे हुए थे, तो इनकी फौज ने नमाज शुरू कर दी। तो वहां से किले पे से पहला तीर चलाया गया तो जो इमाम था वो शहीद हो गया, फिर दूसरा इमाम आया, फिर जब तीर चलाया गया तो वो भी शहीद हो गया, तो उसके बाद तीसरा कोई इमाम आने के लिए तैयार नहीं था, तो उसके बाद सीधे औरंगजेब खुद इमामत के लिए आए। तो वो जो फौज थी जाहिर है वो भी मुसलमानों की फौज थी, जब उन्होंने किरदार की ये पुख्तगी ये आजम ये बहादुरी देखी तो उन्होंने फिर वहीं पे पीस एग्रीमेंट कर लिया। तो औरंगजेब की बहादुरी में कोई शक नहीं था, तो इस तरह दारा और उनके दरमियान जो जंग हुई थी उसने तय कर दिया था कि मुगल सल्तनत का अगला दावेदार कौन होगा। दारा उसके बाद बहुत शर्मिंदा हुआ, शाहजहां ने बहुत उसको गुजारिश की कि वो आकर मुझसे मिले, लेकिन उसके बाद वो औरंगजेब से शाहजहां से जाकर नहीं मिला। उसके बाद उसने जितना सोना हीरे जवाहरात वो समेट सकता था वो सब समेट कर अपने खानदान को लेकर अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली भाग गया। शाहजहां ने दिल्ली का जो गवर्नर था उसको कहा कि तुम दारा की जितनी मदद कर सकते हो वो करो, वो वहां पर आ रहा है उसको सपोर्ट करो। उसके बाद औरंगजेब और मुराद की जो फौज थी तो उन्होंने आगरा के बाहर जो है अपना घेराव डाला, यानी वहां पर वो वहां पर आ गए। अब जब औरंगजेब को यकीनी फतेह हो गई और उसके बाद आगरा को उन्होंने आगरा का घेराव कर लिया, तो शाहजहां की यहाँ पे काफी कॉन्स्पिरेसीज यानी अल्लामा शिबली ने बयान किया है कि काफी कॉन्स्पिरेसीज थी जो शाहजहां करता रहा। यानी शाहजहां जो है औरंगजेब को खतूत लिखकर बुलाता रहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, दारा शिकोह नालायक था और उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह औरंगजेब जो है वो दो तीन लोगों के साथ यहाँ पर आ जाए और मैं उसे ट्रैप करके उसका कत्ल कर दूं। यानी जो खतूत लिखे गए उसमें दारा को जो उसने खत लिखा है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ पर मामला मैं संभाल लूंगा। यानी लैनपोल ने लिखा है कि उस जाल में जो शाहजहां ने अपने बेटे को फांसने के लिए बिछाया था वो खुद फंस गया। यानी औरंगजेब का एक मौके पर ये इरादा भी हो गया था कि वो अपने बाप से जाकर मिले, लेकिन उनके जो ऑफिसर थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, ये जो है ये शाहजहां का ट्रैप है, अगर आप इसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन उसके बाद शाहजहां के जो कई लेटर्स थे जो अलग अलग लोग लेकर जा रहे थे वो जब डिस्कवर हुए और उसके बाद जब औरंगजेब के सामने पूरा मामला आया तो औरंगजेब को यकीन हो गया। हालांकि औरंगजेब चाहते थे कि वो शाहजहां की खिदमत में हाजिर होकर जो भी कसूर हुए उनके वो माफ कर दे, लेकिन उन पर जब बाद में ये वाजे हुआ कि शाहजहां अब भी दारा शिकोह के ख्वाब देखता है और उसकी जो बेटी थी जहां आ रहा वो शाहजहां के करीब थी और वो दारा शिकोह की बहुत बड़ी सपोर्टर्स थी, तो ये पूरे लेटर सामने आने के बाद फिर औरंगजेब ने अपना इरादा बदल लिया।
शाहजहां को जब यकीन हो गया कि अब औरंगजेब मिलने नहीं आएगा, तो उसने किले के दरवाजे चारों तरफ से बंद कर लिए और औरंगजेब ने भी किले को फतेह करने की कोशिश शुरू कर दी। तो ये जब यकीन हो गया कि अब किले को फतेह नहीं किया जा सकता, तो औरंगजेब ने किया कि किले को जिस नहर से पानी जाता थे जमुना नदी से, तो उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद किले के अंदर पानी की किल्लत हो गई और 3 दिन के बाद जो है शाहजहां ने किले का दरवाजा खोल दिया। लेकिन औरंगजेब ने जब किला फतेह कर लिया आगरे का, और जब वो आगरे का तख्त, जब मुगलिया तख्त उनके कब्जे में आ गया, तो ये कहा जाता है कि उसने अपने बाप पर बड़ा जुल्म किया। लेकिन ये सारी बातें फेक है। असल में औरंगजेब ने अपने बाप को बहुत ज्यादा इज्जत दी, उसको कैद खाने के बजाय महल के अंदर ही उनको रखा कि यहाँ पर तुम नजरबंद रहो। यानी नजरबंद और सलाखों के पीछे कैद करने में फर्क होता है। और वो सारी जो फैसिलिटीज थी जो उनको मिलनी चाहिए थी, वो सारी फैसिलिटीज औरंगजेब ने अपनी तरफ से शाहजहां को दी। उसके बाद शाहजहां वहां से औरंगजेब दिल्ली की तरफ बढ़े, लेकिन वहां से भी दारा भाग गया। उसके बाद वो लाहौर गया, फिर लाहौर से भी वो भाग गया। तो इस तरह औरंगजेब ने उसका पीछा किया और वो ईरान की तरफ चला गया। दूसरी तरफ शाहजहां ने ये किया कि शाहजहां की कॉन्स्पिरेसी जो है वो जारी थी। ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने आखिर जमाने में जो है खतो किताबत की पाबंदी लगा दी थी। उसकी वजह ये थी कि शाहजहां मुस्तकिल, चूंकि जाहिर है बादशाह था 30 साल तक, तो उसके अपने ताल्लुकात थे, तो उसकी मुस्तकिल कोशिश ये रहती थी कि वो औरंगजेब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करता रहता था। तो उसके बाद मुराद जो दूसरा भाई था जिसको के औरंगजेब ने के साथ जिसने लड़ाई लड़ी थी, तो उसके बाद मुराद को ये लगने लगा कि औरंगजेब को जो कुछ फतुहात मिली है वो मेरी बहादुरी की बदौलत है। और उसको ये लगा कि यार औरंगजेब क्या है, असल तो तख्त का दावेदार मैं हूँ। हालांकि जो एग्रीमेंट तय हुआ था उसके मुताबिक आगरा और दिल्ली मुराद के इसमें नहीं थे, लेकिन मुराद की जो नीयत है वो खराब हो गई और उसने ये किया कि औरंगजेब के जो ऑफिसर्स थे उनको रिश्वत देकर मिलाना शुरू कर दिया। तो फिर औरंगजेब को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो औरंगजेब ने बाद में मुराद को जो है वो कैद कर दिया और सलीमगढ़ के किले में उसको कैद कर दिया गया। और बाद में जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, उसकी मुस्तकिल साजिशें जारी रही उसकी और उसके सपोर्टर्स की, तो उसको कत्ल कर दिया गया। फिर औरंगजेब ने अपने आप को किंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जो चीफ काजी था वो शाहजहां का सपोर्टर था, तो उसने कहा कि जब तक बाप जिंदा है बेटा हुक्मरान नहीं बन सकता। लेकिन जो वहां पर दूसरे काजी थे, काजी अब्दुल वहाब, जो उस जमाने में काफी फेमस थे मुसलमानों के अकायद वगैरह दुरुस्त करने में, तो उन्होंने औरंगजेब के लिए फतवा दिया और उन्होंने औरंगजेब को आलमगीर का खिताब दिया। इस तरह वो औरंगजेब से औरंगजेब आलमगीर हो गए। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दारा शिकोह का पीछा औरंगजेब करता रहा। दारा शिकोह एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाता रहा। इसी दरमियान में शुजा जो उनका तीसरा भाई था जिसको कि औरंगजेब ने बिहार का इलाका दिया, तो शुजा ने जब ये देखा कि औरंगजेब शुजा दारा शिकोह का पीछा करते करते लाहौर की तरफ चले गए, तो उसने कहा कि ये अच्छा मौका है। उसने आगरे पर हमला कर दिया। जैसे उसकी फौजें आगरे की तरफ बढ़ी उसकी और जसवंत सिंह की, तो ये खबर औरंगजेब को मिल गई। तो वो फौरन वहां से वापस आए और राजा जय सिंह और यानी इनके दरमियान बड़ी खतरनाक जंग हुई जिसमें शुजा हार गया। उसके बाद वो बर्मा यानी अरकान की तरफ भाग गया। फिर वहां के बादशाह के दरबार में कुछ साल रहा, लेकिन कहा जाता है कि वहां भी उसने बादशाह के खिलाफ साजिशें की, तो फिर उसको वहां के बादशाह ने कत्ल कर दिया। उसके बाद जो राजपूतों के बड़े बड़े लीडर थे, जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राठौड़ राजकुमार, ये सब ने औरंगजेब की बादशाहत को तस्लीम कर लिया। दारा शिकोह ने फिर एक आर्मी जमा की और उसके बाद अजमेर के करीब आकर उसने एक बड़ी जंग औरंगजेब से लड़ी, लेकिन इस जंग में भी जो है दारा शिकोह हार गया। फिर उसके बाद वो वहां से भाग गया और दारा शिकोह को पकड़कर लाया गया। तो औरंगजेब खुद पर्सनली उसको मारना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि जो शरिया कोर्ट है वो फैसला लेंगी, और उस जमाने की जो शरिया कोर्ट ने थी तो वो अकायद की बुनियाद पर फैसला किया गया कि दारा शिकोह को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो दारा शिकोह और उसके बेटे को जो है फिर वो सजाए मौत दी गई। शाहजहां की जो आखिरी जिंदगी थी यानी उसकी जो मौत थी वो काफी, ये कह सकते हैं कि जिससे उसने जिंदगी गुजारा उसके एतबार से काफी दर्दनाक जिंदगी थी उसकी। लेकिन शाहजहां की तमाम साजिशों, कार्रवाइयां, मुखालिफाना कार्रवाई के बावजूद औरंगजेब आलमगीर का जो रवैया था वो बहुत ही आइडियल रवैया था जो जमाने में एक बेटा अपने बाप के ताल्लुक से कर सकता था। यानी जितनी फैसिलिटीज थी किले के अंदर, हिफाजत, उनका खाना, उनका इंतजाम, हर चीज की जो है, यानी वो लोग बहुत सारे वो राइटर्स भी जिन्होंने औरंगजेब को बदनाम किया, उन्होंने भी एग्री किया कि औरंगजेब तो अपने बूढ़ी बाप की हर तरह से खातिरदारी करता, न्याज कथरत से उसको तोहफे तायब भेजता। और बाद लोगों ने ये भी लिखा है कि बाद में खुद शाहजहां को भी रियलाइज हो गया कि गलती मेरी थी, और बाद में औरंगजेब के हक में दुआएं खैर भी किया करता था। शाहजहां के इंतकाल के बाद उसको जो है उसकी बीवी के बगल में ही दफनाया गया, यानी शाहजहां मुमताज महल की याद में जो उसने ताजमहल बनाया था वहीं पर उसको उसकी तदफीन हुई। शाहजहां को अगर देखे जाए तो आमतौर से लोग समझते हैं कि वो बहुत ही अय्याश और ओबाश किस्म का रूलर था, लेकिन वैसा नहीं था। शाहजहां बहुत रहमदिल था, यानी उसके जो पीरियड रहा उसमें, यानी ये बात ठीक है कि उसने जो तख्त हासिल किया तो कत्लो गारतगिरी के बाद हासिल किया था, लेकिन ओवरऑल जो उसका 30 साल दौर था
वो काफी पीसफुल था, वो लोगों के साथ रहम का मामला करता था, नमाज रोजा ये सारी चीजों का वो पाबंद था, नमाज भी पढ़ता था रोजे भी रखता था। और आखिरी जो उसकी उम्र गुजरी तकरीबन 6-7 साल जो कैद में रहा, तो उस पूरे इसमें तो उसकी जिंदगी बहुत ही तकवे की और परहेजगारी की गुजरी। ये बात कही जाती है कि उसने बहुत सारे, यानी स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और फोर्सफुली कन्वर्जन कराया, स्पेशली उसके इब्तदाई जमाने में। लेकिन शाहजहां ने सिर्फ उन्हीं मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया जिनके बारे में उसको यकीन था, यानी जिसके बारे में उसने तहकीक की थी और उसको पता चला कि यहाँ पहले मस्जिद थी और इन मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए गए थे। तो उसने उन मंदिरों को तोड़कर जो है फिर से मस्जिद बनाया। फिर अकबर के जमाने में जो मामला छिड़े हुए थे जहांगीर और अकबर के जमाने में हिंदू आयाप्रस्त तहरीकों की वजह से, तो उसमें फोर्सफुली कन्वर्जन मुसलमानों को किया जाता था। तो शाहजहां उसमें बहुत स्ट्रिक्ट था, वो खुद पर्सनली ये सारी चीजें देखता था कि किसी भी मुसलमान को जबरन कन्वर्ट नहीं करवाना चाहिए, जहां भी उसको खबर मिलती तो वो फिर से वापस उसको मुसलमान बनाता। इसी तरह वो औरतें जिनको जबरन हिंदुओं ने अपने निकाह में ले लिया था, तो औरंगजेब शाहजहां ने उनको भी वापस लाया, उनको मुसलमान बनाया, उनको मुसलमान से उनकी शादियां कराई। तो ओवरऑल अगर उसका पीरियड देखा जाए तो इस एतबार से काफी अच्छा रहा। औरंगजेब मतलब शाहजहां लर्नेड आदमी था, उसको तुर्की पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज आती थी, डेवोटेड हस्बैंड था अपनी बीवी जिसके साथ उसने 19 साल की जिंदगी गुजारी थी, उससे वो मोहब्बत करता था, उसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था। उसके पूरे पीरियड का अगर एनालिसिस किया जाएगा तो मुगल हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड एक तरह से उसको कहा जाता है, शाहजहां के दौर को। यानी इसमें कोई बाहर से हमले नहीं हुए, अंदर के अंदर बहुत ज्यादा बगावत ही नहीं हुई। उसके जमाने में तिजारत में काफी डेवलपमेंट हुआ, यानी वेस्टर्न एशिया के साथ तिजारत स्टार्ट हुई, यूरोप के साथ बिजनेस उसी के जमाने में स्टार्ट हुआ। फिर जो कंस्ट्रक्शन थे, यानी ताजमहल, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, तख्ते ताउस, ये सारी चीजें जो है उसके जमाने में रहे। तो शाहजहां जो था वो शान शौकत के इजहार का वो दिलदादा था, और इसलिए वो बड़ी बड़ी इमारतें और इस तरह की चीजें वो बनाता रहा अपने जमाने में। लेकिन अगर मुगलिया सल्तनत का डिक्लाइन, जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था कि जिस जमाने में यूरोप में रिनेसेंस हुआ था, तो जैसी तरक्की यूरोप में हुई वैसी तरक्की अकबर हिंदुस्तान में नहीं कर पाया था। उसके बाद यहाँ से हिंदुस्तान पिछड़ना शुरू हो गया था, और उसका जो डिक्लाइन है वो शाहजहां के जमाने में स्टार्ट हो गया था। यानी बहुत सारे इलाकों में जो इंतजाम थे वो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो थी वो वीक होना शुरू हो गई थी, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, आर्मी काफी बड़ी थी तो उसके अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और एग्रीगेट यानी हुकूमत के पास जो सोर्स ऑफ इनकम था वो एग्रीकल्चर ही था बहुत ज्यादा। इसी तरह आर्किटेक्चरल मोनूमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, तो ये पूरा का पूरा बोझ जो है वो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरर्स पे पड़ गया, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी थी वो चरमरा गई। और उसके बाद नेशनल लेवल पे बैंकरप्सी का जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो गया। मिलिट्री सिस्टम भी औरंगजेब के जमाने में, शाहजहां के जमाने में कमजोर होना शुरू हो गया था। तो ये सारी चीजें जो थी, यानी मुगल एम्पायर का जो डाउनफॉल था, तो उसकी जो बेसिस थी वो शाहजहां के जमाने में, यानी आखिरी जमाने में खासतौर से उसके ये सारी चीजें उभर के आना शुरू हो गई थी। तो इंशाल्लाह ये हमने शाहजहां का दौर देखा। अगले इसमें तफसीली तौर पे हम औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी के हालात देखेंगे। हम देखें कि अगर जो मुसलमानों की दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत, इसमें वैसे तो उमूमी तौर पे जितने बादशाह गुजरे उनकी अक्सर जो है वो अपनी जाती जिंदगी में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे उनकी मेजॉरिटी, लेकिन खासतौर से दो जो रूलर थे, खासतौर मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब आलमगीर, तो ये अपनी इंफराद जिंदगी के अलावा इज्तिमाई जिंदगी में भी इस्लाम को फॉलो करते थे। इसलिए जो हिस्टोरियंस ने इन दोनों को सबसे ज्यादा टारगेट किया और इनकी शख्सियत को बहुत ज्यादा मलाइन किया, उनको बदनाम किया गया। तो इससे पहले हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत तफसीली तौर पर उनके कारनामों को देखा था, मोहम्मद बिन तुगलक जिनको मैड किंग कहा जाता, तो हालांकि वो बहुत ही जीनियस आदमी था अपने से आगे की सोचने वाला, लेकिन हिस्ट्री में उसको बहुत ही निगेटिव पिक्चर बनाया गया। इसी तरह औरंगजेब आलमगीर का जो पिक्चर है वो बनाया गया कि बहुत ही जालिम, जाबिर, टायरेंट और दूसरे मजहबों पे जुल्म करने वाला था। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी हुकूमत और उनके ऊपर जो कुछ इल्जाम लगाए जाते हैं उनकी क्या सच्चाई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकअल्लाह।